Dear students, today we will be discussing a new topic, that is block printing. This is one of the methods we will be discussing. It's one of the important and very ancient method of printing and one of the most widely used method of printing. This is the oldest method of printing which we are using for the printing of the textile materials. So what is block printing? This is basically making use of carved pieces of wood or any other type of wooden block to imprint an image onto the fabric. तो ब्लॉक प्रिंटिंग बेसिकली कौन सा मेथड है जिसमें कि हम वुड या किसी और मटेरियल से एक ब्लॉक बना करके फैब्रिक के ऊपर प्रिंटिंग करते हैं. इट वाज यूज्ड टू प्रिंट एंटायर ब्लॉक्स. पूरा का पूरा जो ब्लॉक है उससे हम इम्प्रेशन देते हैं. टुडे द प्रोसेस ऑफ ब्लॉक प्रिंटिंग इज पॉपुलरली एसोसिएटेड विद मेकिंग डिजाइंस ऑन फैब्रिक्स बाय प्रिंटिंग ऑन देम with the help of block made for that purpose. And it is believed to have been originated in China. Basically, this started from China. So ancient block printing was also practiced in India also. So what is the very special thing about this method of printing is that it is very ancient method of printing, the most ancient or the oldest method of printing. So what is the significance of block printing? This we will be discussing as it is visible in the notes. Significance means is method of printing ka mahatv kya hai, iska kya significance means mahatv kya hai. सबसे पहला, इट हैज़ सिंप्लिसिटी एंड ईज़ ऑफ एग्जीक्यूशन. माने ये एक बहुत ही सिंपल मेथड है जिसको यूज़ करके फैब्रिक के ऊपर प्रिंट बनाना बहुत ही आसान है. और इसमें जो हम मटेरियल्स यूज़ करते हैं दे आर आल्सो इजीली अवेलेबल. देन सेकंड इज़ देर आर एडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड. मीन्स there is sharpness, accuracy and fine detailing of prints made on the fabrics. जो प्रिंट हम बनाते हैं उसमें काफ़ी शार्पनेस होती है. मीन्स क्लियर प्रिंट हमें नज़र आता है. एक्यूरेसी माने बिल्कुल सही प्रिंट बनता है. और तीसरा फाइन डिटेलिंग मान किसी भी प्रिंट की हम बारीक से बारीक चीज़ को भी प्रॉपरली हम उसमें दिखा सकते हैं. और तीसरी बात इसमें सिग्निफिकेंस की क्या है, महत्व की क्या बात है कि इसमें हम ह्यूज पॉसिबिलिटीज ऑफ मैच एंड मिक्स ऑफ डिफरेंट ब्लॉक्स डिज़ाइन इन वेरियस कलर्स ऑन द सेम फैब्रिक. माने हम अलग अलग प्रकार के ब्लॉक लेकर के अलग अलग कलर्स से हम फैब्रिक के ऊपर मिक्स एंड मैच करके कई तरह के डिज़ाइन इसके ऊपर बना सकते हैं. वेराइटी ऑफ डिज़ाइन कैन बी मेड. नंबर फोर, क्रिएटिंग ए न्यू ब्लॉक विद ए न्यू डिज़ाइन इज़ फेयरली क्विक एंड ईजी. माने हमने कोई नया ब्लॉक बनाना है, नया डिज़ाइन बनाना है तो बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी वो बन जाता है. तो ये इसकी चौथी एडवांटेज होगी, माने सिग्निफिकेंस होगी, महत्व की बात होगी. भाई इस मेथड ऑफ प्रिंटिंग का महत्व इतना ज़्यादा क्यों है, तो ये बातें वो हैं. दीज आर द पॉइंट्स विच आर कंसिडर्ड टू बी पॉइंट्स ऑफ इम्पॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस. ये महत्व की बातें हैं. नंबर फाइव, ब्लॉक्स आर ऑफ गुड क्वालिटी वुड एंड सो दे हैव ड्यूरेबिलिटी. मेटालिक ब्लॉक्स आर समटाइम्स यूज्ड. तो हम इसमें वुड के ब्लॉक्स नॉर्मली यूज़ करते हैं और इसके अलावा हम मेटल के ब्लॉक्स भी यूज़ करते हैं, ठीक है. नंबर सिक्स, इंट्रिकेट एंड शार्प डिटेलिंग फॉर कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइंस कैन बी एच्ड आउट इन द ब्लॉक्स. जो कि हम पहले नंबर थ्री पॉइंट में भी हमने बताया है कि
डिटेल्स डिज़ाइन की जो हैं वो उसमें हम कार्व आउट कर लेते हैं, उसमें खोद लेते हैं जहाँ पर भी ब्लॉक बनाना है हमने। तो ये डिटेलिंग मींस डिटेल्ड डिज़ाइंस आल्सो कैन बी मेड ऑन द विद द ब्लॉक प्रिंटिंग मेथड। ठीक है, एक्सटेंसिव चॉइस ऑफ कलर्स मेक्स द डिज़ाइन वाइब्रेंट एंड फ्रेश फील, क्योंकि हम डिफरेंट नंबर ऑफ कलर्स यूज़ कर सकते हैं इसमें, तो हमें जो प्रिंट मिलता है वो एकदम फ्रेश मिलता है। फ्रेश फील ऑफ द फैब्रिक मीन्स हमें उसमें मिलता है। ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली दोनों चीज़ें ट्राई करते हैं, मींस ब्लॉक से हमने प्रिंट बना लिया, अगर हमने कोई फाइन डिटेलिंग में ब्रशेस को भी यूज़ करते हैं तो दोनों को मिला करके हम कॉटन, सिल्क और दूसरे फैब्रिक के ऊपर बहुत अच्छे से प्रिंट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ सिग्निफिकेंस के पॉइंट्स हैं जिनमें कि हम मैं कुछ और ऐड करूँगा। सबसे पहला सिग्निफिकेंस पॉइंट्स मीन्स इट इज़ द एंशियंट मेथड ऑफ प्रिंटिंग, ये सबसे बड़ा मीन्स सिग्निफिकेंस पॉइंट है, दैट इट इज़ द एंशियंट मेथड, सबसे पुराना प्राचीन मेथड है। ठीक है, तो जितने भी प्रिंट्स हमारे पुराने समय के हैं वो सब हम अगर हमें रिप्रोड्यूस करने हों तो हम ब्लॉक प्रिंटिंग से कर सकते हैं। दिस इज़ ए वेरी बिग एडवांटेज यू कैन से विद द ब्लॉक प्रिंटिंग। नंबर टू सिग्निफिकेंस पॉइंट्स हैं मींस कि हमें इसमें ज़्यादा मशीन्स की ज़रूरत नहीं है, इक्विपमेंट्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा हमें स्पेस भी इसमें नहीं चाहिए होता है, बहुत थोड़े स्पेस में ही हमारा ब्लॉक प्रिंटिंग का कार्य जो है वो हो सकता है। चौथा बात है कि देर इज़ शार्पनेस एंड एक्यूरेसी, जो प्रिंट हम बनाते हैं उसमें काफ़ी शार्पनेस होती है, बिल्कुल क्लियर हमें प्रिंट नज़र आता है और उसमें हम डिटेल भी अच्छे से डाल सकते हैं। देन मिक्स एंड मैच मीन्स डिफरेंट कलर्स के ब्लॉक्स लेकर के, डिफरेंट डिज़ाइंस के ब्लॉक लेकर के हम फैब्रिक के ऊपर प्रिंट्स बना सकते हैं। ठीक है, और चौथा बात क्या है कि नया ब्लॉक बनाना ईजी है, इसमें हम मेटल के ब्लॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं और वुड के ब्लॉक्स भी यूज़ करते हैं, जो कि आगे हम टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये सिग्निफिकेंस के पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मींस ब्लॉक प्रिंटिंग इतना पुराना मेथड होते हुए भी आज भी क्यों यूज़ किया जाता है, इसका सबसे पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि बिकॉज टुडे इट इज़ द डिमांड ऑफ द मार्केट, इट इज़ द डिमांड ऑफ द मार्केट। तो ऐसा क्वेश्चन अगर पेपर में आता है व्हाई ब्लॉक प्रिंटिंग इज यूज्ड इवन टुडे, बिकॉज इट इज़ द एंशियंट मेथड ऑफ प्रिंटिंग स्टिल इट इज़ यूज्ड, जबकि आज की डेट में बहुत सारी एडवांस मशीन्स आ गई हैं, एडवांस मेथड्स आ गए हैं, स्टिल वी आर यूजिंग दिस मेथड ऑफ प्रिंटिंग, व्हाई? इसका आंसर ये है बिकॉज टुडेज मार्केट इज़ डिमांड ड्रिवन, डिमांड ड्रिवन माने जो कस्टमर हमसे मांगेगा हमें उसको वो देना पड़ेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इट इज़ द डिमांड ऑफ द मार्केट। ओके, सो इट इज़ द डिमांड ऑफ द मार्केट, दैट इज़ वाई वी आर प्रोड्यूसिंग द ब्लॉक प्रिंटिंग्स। चाहे कितना ही पुराना मेथड हो, अगर बायर हमारे से मांगता है, कस्टमर हमसे मांगता है, तो हमें वो मेथड रखना पड़ता है। तो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो और ये एडवांटेजेस पॉइंट्स हो गए काफ़ी सारे कि हमें फ्रेश प्रिंट मिलता है, माने कि इसमें डिफरेंट डिज़ाइंस हम यूज़ करते हैं, डिफरेंट कलर्स यूज़ करते हैं, डायरेक्टली फैब्रिक के ऊपर प्रिंट करते हैं, तो कलर का जो अपील है, कलर का जो शार्पनेस है, कलर का जो फ्रेशनेस है वो मेंटेन रहता है। तो ये सभी पॉइंट्स जो हैं आपके सिग्निफिकेंस माने महत्व पॉइंट्स हैं ब्लॉक प्रिंटिंग मेथड के। ठीक है, और इसमें आगे आपको जो ब्रीफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया हुआ है कि इंडिया की बात करें तो ये ज़्यादातर गुजरात, राजस्थान इन एरियाज़ में, वेस्ट बंगाल इन एरियाज़ में आपका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्रिंटिंग है एंड सारी प्रिंटिंग जैसे अहमदाबाद, सूरत, कच्छ, एडिस्ट नोट्स में अहमदाबाद, सूरत, कच्छ में ख़ासतौर पर बागड़ू प्रिंटिंग, जयपुर में बागड़ू, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में ये ब्लॉक प्रिंटिंग किया जाता है। ठीक है, प्रिंटेड सिल्क सारीज आर अवेलेबल। ठीक है, टुडे श्रीरामपुर सिटी इन वेस्ट बंगाल कंटिन्यूज़ टू प्रोमिनेंटली यूज द प्रोडक्शन ऑफ ब्लॉक प्रिंटेड सिल्क सारीज।
एंड फैब्रिक्स, ठीक है। तो इसमें और इनोवेशन मींस, जैसे जैसे फैशन का ट्रेंड आ रहा है अकॉर्डिंगली डिज़ाइंस एंड जो हमारे मोटिव्स इसमें यूज़ करते हैं वो धीरे धीरे चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो एंशियंट जितने भी हमारे मोटिव्स हमने यूज़ किए, जैसे फ्लावर्स के, लीव्स के, कुछ पर्टिकुलर मॉन्यूमेंटल साइंस के, गॉड्स एंड गॉडेसेस, ये सब चीज़ें जो हैं वो कॉम्बिनेशन में हम यूज़ करते हैं। तो इट स्टार्टेड वे बैक फ्रॉम द टाइम ऑफ यू कैन से मुगल एम्परर शाहजहां, ठीक है। तो ये इसमें आपको पूरी हिस्ट्री थोड़ी थोड़ी दी हुई है 17th सेंचुरी में मुगल एम्परर शाहजहां, फ्रॉम द टाइम ऑफ दैट ब्लॉक प्रिंटेड फैब्रिक्स वर बीइंग यूज्ड इन इंडिया, ठीक है। तो ये थोड़ी सी आप हिस्ट्री पढ़िएगा और इसमें से आपने ब्रीफ थोड़ा सा एक नोट निकाल लेना है कि शुरुआत से लेकर अब तक जो है इसमें कहाँ कहाँ डेवलपमेंट हुई। आगे हम इसमें डिस्कस करेंगे ब्लॉक प्रिंटिंग में टाइप्स ऑफ ब्लॉक एंड देयर मेकिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स कौन से होते हैं और वो कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको नोट्स में नज़र आ रहा है, नंबर 1 आर दी वुडन ब्लॉक्स, ठीक है। नंबर 2 मेटल ब्लॉक्स। तो मेटल ब्लॉक्स में खासतौर पर 3 तरह से इवेंट मेटल ब्लॉक्स आप देखते हैं, आपने अपनी लैब में भी देखे होंगे और जब आओगे तो आपको डिटेल में और बताएंगे। नंबर 1 पिन ब्लॉक्स, ठीक है। तो जो मेटल ब्लॉक्स होते हैं बेसिकली उसमें भी बेस हम जो यूज़ करते हैं दैट इज़ ऑफ वुड, लेकिन उसके ऊपर जो मोटिव का इम्प्रेशन होगा वो अलग अलग तरीके से बनाते हैं। जैसे कि नंबर 1 ए इज़ पिन ब्लॉक्स, उसमें पिन यूज़ करते हैं। नंबर 2 स्ट्रिप ब्लॉक्स, उसमें स्ट्रिप्स यूज़ करते हैं, कॉपर की स्ट्रिप्स। और नंबर 3 आर दी कास्टिंग्स, ठीक है, जो कि एक मोटिव बना बनाया हम बाहर से लेते हैं और उसके ऊपर फिक्स करते हैं। तो ये वुडन ब्लॉक्स, मेटल ब्लॉक्स, वन मोर इज़ देयर, थर्ड वन इज़ द कलर ब्लॉक्स, जिसमें कि हम मल्टी कलर प्रिंटिंग करने के लिए कलर ब्लॉक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन विल बी डिस्कसिंग दिस प्रेपरेशन ऑफ ब्लॉक्स। तो सबसे पहला आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रेपरेशन ऑफ द वुडन ब्लॉक्स, ठीक है। तो वुडन ब्लॉक्स में ये आई थिंक टुडेज लेक्चर आई विल स्टॉप हेयर, लेट्स रिवाइज द थिंग व्हिच वी हैव स्टडीड। व्हाट इज द ब्लॉक प्रिंटिंग? इट्स द एंशिएंट मेथड ऑफ प्रिंटिंग, ओल्डेस्ट मेथड ऑफ प्रिंटिंग फॉर मेकिंग प्रिंट्स ऑन द फैब्रिक। Normally in the past we had been using block print, blocks of the wood, and जो blocks हमने wood के use किए वो use करके हम impressions बनाते हैं fabrics के ऊपर। तो this is called the block printing। सबसे पुराना method of printing is the block printing, ठीक है। Significance माने ये method की महत्व क्या है, importance क्या है, ये हमने discuss किया। तो कुछ पॉइंट्स आपको ये नोट्स में नज़र भी आ रहे हैं और कुछ आपने नोट भी करने हैं लेक्चर में से जो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ थ्रू दिस वीडियो। सिंपल है, फर्स्ट वन इज़ द इट इज़ सिंप्लिसिटी एंड इजी टू अप्लाई, इट्स सिंप्लिसिटी एंड ईज ऑफ एग्जीक्यूशन। नंबर 2 शार्पनेस ऑफ प्रिंट्स, मीन्स जो आपका डिज़ाइन बनता है वो शार्प होता है और सही बनता है, एक्यूरेट, और उसमें जो डिटेल होती है फैब्रिक्स में डिज़ाइन की वो अच्छे से बनती है, ठीक है। नंबर 3 इसमें मिक्स एंड मैच की बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो हम मल्टी कलर डिज़ाइंस, वैरायटी ऑफ डिज़ाइंस बना सकते हैं ऑन दी ब्लॉक्स। मिक्स एंड मैच माने नंबर ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ कलर्स यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिज़ाइंस हम ले सकते हैं, एक ही फैब्रिक के ऊपर अलग अलग कलर्स के ब्लॉक्स से हम उसके ऊपर प्रिंट कर सकते हैं। तो दिस इज़ द मिक्स एंड मैच प्रॉपर्टी। नंबर 3 क्रिएटिंग न्यू ब्लॉक, नया ब्लॉक बनाना इसमें आसान है और जल्दी बन जाता है, ठीक है। नंबर 5 अच्छी क्वालिटी की वुड के साथ एक ड्यूरेबल ब्लॉक हम बना सकते हैं और मेटालिक ब्लॉक्स भी हम यूज़ करते हैं। नंबर 6 इंट्रिकेट डिटेलिंग, मैंने जो डिज़ाइन की जो डिटेल्स हैं वो हम उसमें खोद करके, एंग्रेविंग करके वो डिज़ाइंस के ऊपर, ब्लॉक्स के ऊपर बना सकते हैं, जिससे कि हमें डिटेल्ड पैटर्न्स, डिटेल्स प्रिंट्स जो हैं वो डिज़ाइंस के बनते हैं। इसमें खासतौर पर हम साथ में ब्रशेस को भी यूज़ करते हैं डिटेलिंग करने के लिए, ठीक है। एक्सेसरीज लाइक हेयर ब्रशेस आर यूज फॉर फिलिंग इन द ब्लैंक एरियाज बिटवीन द आउटलाइंस ऑफ द डिज़ाइन, नंबर 6 पॉइंट में डिस्कस किया हुआ है। ए पॉइंट ऑन द ब्लॉक सर्व्स एज ए गाइड फॉर द रिपीटिव इंप्रेशन, जिसको हम बोलते हैं पिच पिंस, ठीक है। आगे मैं आपको बताऊँगा
जैसे कि जब ब्लॉक वुडन ब्लॉक बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, उसमें एक पॉइंट होगा कॉर्नर पे जिससे आपको पता लगेगा कि नेक्स्ट ब्लॉक हमने कहाँ पर लगाना है, ठीक है। सातवां है एक्सटेंसिव चॉइस ऑफ कलर्स मेक्स द डिज़ाइन वाइब्रेंट एंड फ्रेश फील, मींस इसमें क्योंकि हम ब्लॉक के ऊपर कलर लेकर के डायरेक्टली फैब्रिक के ऊपर प्रिंट करते हैं तो हमें जो फ्रेशनेस ऑफ कलर है वो बहुत अच्छे से इसमें मिलती है, फ्रेशनेस ऑफ द कलर्स, ठीक है। और ब्रश और ब्लॉक के साथ मिक्स करके हम कॉटन वो और सिल्क के ऊपर प्रिंटिंग बहुत आसानी से और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो दिस वाज़ द इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑन द यू कैन से ब्लॉक प्रिंटिंग इन विच वी हैव डिस्कस द सिग्निफिकेंस पॉइंट्स। वन मोर सिग्निफिकेंट पॉइंट, पॉइंट नंबर 8 कर सकते हैं कि व्हाई वी आर यूजिंग द ब्लॉक प्रिंटिंग स्टिल टुडे, बिकॉज इट इज़ एन एंशिएंट मेथड ऑफ प्रिंटिंग। तो व्हाई वी आर यूजिंग, बिकॉज इट इज़ द डिमांड ऑफ द मार्केट, ठीक है। टुडेज मार्केट इज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मार्केट एंड इफ एनी बायर फ्रॉम द अदर कंट्री आस्क फॉर ब्लॉक्स सो वी विल हैव टू मेक द फैब्रिक्स अकॉर्डिंग टू दियर डिमांड। सो डिमांड ऑफ द मार्केट ऑल्सो मेक्स इट मोर सिग्निफिकेंट, ठीक है। इसके अलावा नंबर 9 पॉइंट इज नो लार्ज स्पेस इज रिक्वायर्ड, ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं है इस ब्लॉक प्रिंटिंग में। नो स्पेशल इक्विपमेंट्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। नो स्पेशल मशीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द मेकिंग द ब्लॉक प्रिंट्स ऑन द फैब्रिक्स। तो ये आज हमने डिस्कस किया स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन ऑफ द ब्लॉक एंड देन ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द ब्लॉक प्रिंटिंग, ठीक है। तो एज वी सेड, इंडिया में भी आपका जो ब्लॉक प्रिंटिंग था वो शुरू से एग्जिस्ट करता है, बट स्टिल एज वी स्टडीड इन द प्रीवियस डिस्कशन दैट इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम चाइना, बट इन इंडिया ऑल्सो वे बैक फ्रॉम द यू कैन से मुगल एम्परर्स एज वी डिस्कस्ड अर्लियर लाइक शाहजहां 17th सेंचुरी इट एग्जिस्टेड इन द इंडिया ऑल्सो। और इंडिया में ख़ासतौर पर जहाँ पर गुजरात, राजस्थान, वेस्ट बंगाल इन सब एरियाज में ख़ास तौर पर ब्लॉक प्रिंटिंग का यूज़ किया गया, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन एंड ब्रीफ हिस्ट्री एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ द ब्लॉक प्रिंटिंग। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द मेकिंग ऑफ द ब्लॉक्स, ठीक है, इन विच वी विल बी डिस्कसिंग द टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स एंड वुडन ब्लॉक्स, प्रिपरेशन ऑफ वुडन ब्लॉक्स विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।